छह टीचर में बस इतना ही है, दो ही आदमी। और छह में दो आदमी? आप तो टोला सेवक है ना? टोला सेवक के अलावा छह टीचर है, तो इसका मतलब एक ही टीचर है स्कूल में? छह टीचर में एक भी टीचर नहीं है? सब्जी टीचर साहब लेने चले गए सब्जी लाने के लिए। इसका मतलब एक भी टीचर नहीं है आपके अलावा, उला से के अलावा? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एसीएस एस सिद्धार्थ जो है वो लगातार स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, या फिर जो तमाम उचित दिशा निर्देश होते हैं वो आए दिन आते रहते हैं और कार्रवाई भी की जाती है, तमाम खबरें आती हैं। लेकिन इसी कड़ी में अब एसीएस के द्वारा जो है बिहार के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा रहा है, हम तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में मामला जो है वो मधुबनी के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एसीएस के द्वारा जब वीडियो कॉल करके निरीक्षण किया जा रहा था तो मास्टर साहब तो नहीं थे, टोला सेवक के द्वारा जो है वो कॉल उठाया गया और मास्टर साहब विद्यालय में अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद एस सिद्धार्थ एसीएस जो है वो काफी गुस्से में आ गए। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से वो पूछते हुए नजर आए हैं कि टीचर कहाँ हैं, वो कहाँ गए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस मामले में उस विद्यालय और मास्टर साहब के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और कितना टीचर है यहाँ पे? छह टीचर है। बाकी लोग कहाँ गया? आप तो टोला सेवक है ना? और छह टीचर में बस इतना ही है? दो ही आदमी। और छह में दो आदमी? आप तो टोला सेवक है ना? टोला सेवक के अलावा छह टीचर है जी, तो इसका मतलब एक ही टीचर है स्कूल में? आज सब गए सर मधुबनी, वो जीता ना ये थम वाला। मतलब आप स्थिर से दिखाइए ना मुझे, क्लास दिखाइए थोड़ा स्थिर से, सिर से दिखाइए। मतलब छह टीचर में एक भी टीचर नहीं है? सर सर बढ़ा दीजिए सामान लाने के मार्केट, सब्जी वाला सामान। मतलब सब्जी टीचर साहब लेने चले गए सब्जी लाने के लिए सर? इसका मतलब एक भी टीचर नहीं है आपके अलावा, टोला सेवक के अलावा? आप कहा इतना हड़बड़ा है, आराम से दिखाइए ना क्लास को, क्लास दिखाइए ना, आराम से बैठिए। कितने बच्चे हैं टोटल नामांकित? 137 दिख भी नहीं रहे, तो बहुत कम संख्या में आज बच्चे, इधर 9 बच्चे, 9-10 बच्चे तो इस तरफ है बस, 11 हो गया, 12, 13, 14, 14 बच्चे इस क्लास में है, 137 कहां से बच्चे आ गए? बस 13 बच्चे इसमें और इसमें हो गए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 इसमें है, बस 13 उसमें है, 22 इसमें है। बाकी बच्चा कहाँ चला गया 137 में? वो भी बोरा में बैठा हुआ सब, और पीछे 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 वो बोरा सब क्या है, खाने का सामान है जी, चावल सर, उसके लिए अलग से जगह नहीं है? में और खाना बनाने वाली काम है, ये बाहर बैठी हैं रसोईया, क्या बना रही है? खिचड़ी बन। आज शनिवार को खिचड़ी है, खिचड़ी चोखा। अब मास्टर जी चले गए सामान लेने, और आप अकेले हैं, टोला सेवक अकेले जी।
चलो अभी भेजते हैं किसी को जांच के। तो आपने वीडियो में देखा और सुना भी कि किस तरीके से ACS एस सिद्धार्थ जो हैं वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे नामांकित हैं, स्टूडेंट्स कहाँ हैं, टीचर्स कहाँ हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, आपने वीडियो में देखा। और वहीं अब बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि मधुबनी के प्राथमिक विद्यालय और वहाँ के शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। इस लेटर को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि शिक्षा निदेशक की ओर से जो है जारी किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को। प्राथमिक विद्यालय टेगरा मुसहरी बबू पैच बबू बरही प्रखंड मधुबनी जिला के संचालन शैक्षणिक गतिविधियों में बरती गई लापरवाही एवं अव्यवस्था के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्राथमिक विद्यालय टेगरा मुसहरी का वर्चुअल इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें कई अव्यवस्था गड़बड़ी जो है वो पाई गई। पहली गड़बड़ी जो है विद्यालय के 6 शिक्षकों में से सभी अनुपस्थित पाए गए तथा 1 शिक्षक के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि बाजार से सामान लाने गए हुए हैं। वहीं दूसरी गड़बड़ी जो है विद्यालय में 137 छात्र छात्राएं जो हैं वो नामांकित हैं, जिनमें से भौतिक रूप से मात्र 35 बच्चे जो हैं वो उपस्थित पाए गए। अगली गड़बड़ी जो है वो वर्ग 1 से 5 के विद्यालय में मात्र 2 कमरे जो है, बस 2 कमरे में विद्यालय संचालित हो रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें तो अगली गड़बड़ी, विद्यालय में 1 भी बेंच डेस्क नहीं है तथा सभी छात्र छात्राएं जमीन पर बोरे पर बैठे पाए गए। वर्ग कक्ष में ही चावल एवं अन्य सामग्री पाया गया। एकमात्र टोला सेवक के भरोसे विद्यालय चल रहा था। विद्यालय के संचालन में उपयुक्त अनियमितता, दयनीय शिक्षण स्थिति एवं अव्यवस्था के लिए आप प्रथम जिम्मेवार हैं। आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर जो है मांगा गया है और कहा गया है कि अगर आप स्पष्टीकरण इस मामले में नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। तो देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है ये नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, बिहार सरकार की ओर से। और इसमें बताया गया है कि वर्चुअल इंस्पेक्शन के द्वारा जो है क्या क्या कमियाँ पाई गई हैं, एस सिद्धार्थ क्या क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। आप वो वीडियो भी दिखाया है हमने आपको, किस तरीके से पूछते हुए नजर आए हैं कि बच्चे कहाँ हैं, टीचर कहाँ हैं। और टोला सेवक के भरोसे जो है विद्यालय चल रहा था, कमरे में ही चावल और बाकी सामान जो होता है वो रखा गया था। इन तमाम चीज़ों के बारे में अब मधुबनी की जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वो भी 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है, नहीं तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इस लेटर में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध विभाग जो है वो कार्रवाई करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।